Okay, thank you very much and wish you a happy journey. Bye bye. ला मेरा मुझे दे। अरे चल आ जाना यार। तो कूली है क्या? मेरा बोझ तू क्यों उठाएगा? अच्छा कुछ फ्लड रिलीफ कैंप का बोझ जो मेरे कंधों पर था वो तूने उठाने में मेरी मदद की कि नहीं? तो क्या हुआ यार, दोस्ती के नाते इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा। लेकिन दोस्ती में लगेज तो उठाया जा सकता है ना। चल अंदर लाइए मैं ले जाता हूँ। तू भी कमाल करता है यार, तू यहाँ मेरा बोझ उठाने आया है कि मुझे प्यार से सी ऑफ करने? अब देख क्या रहा है, चल गले लग। तू शहर के सबसे बिजी डॉक्टर्स में से है, फिर भी तूने वक्त निकाला, थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। अब देख यार, हम शहर के डॉक्टर्स को करियर के अलावा तो कुछ सोचता नहीं है, लेकिन तू है कि यहाँ अकेला छूटने वाली है तो बिल्कुल अलग है यार, सबसे हटकर है, सब कुछ छोड़कर यहाँ गांव में लोगों की सेवा करने में लगा है। इधर आ तू, फिर कोई काम की बात बताता हूँ, जल्दी इधर आओ। 12 घंटे का सफर है तो करने वाले 2 मिनट में भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं, लेकिन किस्मत ने तेरे को 12 घंटे दिए हैं। साफ साफ कहना, कहना क्या चाहता है तू यार? किस्मत ने जो मौका दिया है ना, उसे अपने हाथ से मत निकलने दे। एक ही गाड़ी है, एक ही सफर है और एक ही मंजिल है, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। तू मुसाफिर अगर बातें करने लगे ना तो कल को हम सफर भी बन सकते हैं। कह दिया, अब यहाँ यूं ही खड़ा रहेगा या गाड़ी में भी जाके बैठेगा? गाड़ी निकल जाएगी, जल्दी जा। चल ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। गुड न्यूज एवरीबॉडी, चाय मिल गई। श्रुति चाय। सॉरी मैं चाय नहीं पीती। तुम भी कमाल करती हो। अरे मैं पेंट्री कार से स्पेशल चाय बनाकर लाया हूँ, तुम कह रही हो। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। कल सुबह 9 बजे तक पहुंच जाएगी ना? इंडियन रेलवे। पहुंचने की जल्दी है तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे ये ट्रेन अगर 12 घंटे की बजाय 24 घंटे भी लगा दे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बशर्ते आप ये किताब अलग रखकर बातें करते रहे। बाय द वे, आप पढ़ क्या रही हैं? मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी। ओह, क्या है? आप डेस्टिनी पर बिलीव करती हैं? आप करते हैं? Of course. अब देखो, उस दिन जब मैं वॉलंटियर्स ढूंढने गया था तो मुझे वहां मिली, हम दोनों साथ साथ आए, कैंप में भी साथ गए, अब साथ ही सफर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग तो है। आप एक चीज भूल रहे हैं। क्या? जो लड़की आज तक चाय नहीं पीती थी वो आज चाय पी रही है, ये भी तो डेस्टिनी हो सकती है। हो सकता है, इनफैक्ट है ये डेस्टिनी तो है। मैं मजाक कर रही थी। मजाक में किसे ढूंढ रही हो? किसी को नहीं। चलो मत, बाय बाय बाय, चलो बाय बाय बाय, चल मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी सर। सीरियसली, नो फॉर्मेलिटी, योर हाउस इज ऑन माय वे। चलो, इट्स ओके सर, डोंट वरी। ओके, बाय बाय। हेलो, क्या मैं आकाश से बात कर सकती हूँ? आकाश, आप कौन बोल रहे हैं? मैं श्रुति बोल रही हूँ। श्रुति? वो तो नहीं है। नहीं है? ओके, थैंक यू।
तूने बताया नहीं कैंप कैसा रहा? अरे ऐसा रहा तेरा कैंप? हाँ कैंप बहुत अच्छा था माँ, वहाँ के लोग इतनी तकलीफ में थे, अच्छा हुआ मैं वहाँ गया। अच्छा नहीं, बहुत बुरा हुआ जो तू यहाँ नहीं था। क्या हुआ? वो मुरादाबाद वाली मौसी है ना? हाँ। वो अपनी कजिन की बेटी का रिश्ता लेके आई थी। तब तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं यहाँ नहीं था, थैंक गॉड। बकवास बंद कर। अरे माँ ये बकवास नहीं है, ये डेस्टिनी है, और ये डेस्टिनी मुझे वहाँ लेकर गई थी, और ये डेस्टिनी है जिसने मुझे किसी को इतने करीब से देखने का मौका दिया। तो क्या शहर में कोई लड़कियाँ ही नहीं है जो तुझे गाँव वाली लड़की पसंद आ गई? वो गाँव वाली नहीं है माँ। तो कौन है? है कोई, चलो जाने दो। तू उसका नाम बता मुझे। अरे माँ तुम्हें हर बात जानने की जल्दी क्यों रहती है? अब क्यों ना रहे, तू उसका फोन नंबर दे मुझे। क्या करूँगी फोन नंबर का? बाबा तेरे रिश्ते की बात करूंगी और क्या। अरे माँ इतने आगे की आप सोच रही हो, पहले मेरी तो ठीक से उससे बात हो जाने दो। अब इसके लिए कितना वक्त लेगा तू? और जितना वक्त डेस्टिनी लगवाएगी। पंडित ने 22 तारीख का मुहूर्त निकाला है। एक हफ्ते बाद का होता तो अच्छा होता। क्या फर्क पड़ता बाद में हो या पहले, जब तय कर ही दिया तो देर नहीं करनी चाहिए। क्या तय हो गया? 22 तारीख तय हो गई है। क्या तय कर लिया भाई इसको? तेरी शादी की। लेकिन मामा जी। लेकिन क्या बेटा, अच्छा मुहूर्त है, पंडित ने कहा इसे टाल लेनी चाहिए। मामा मेरी इंटर्नशिप तो कंप्लीट होने दीजिए। पहले MBBS, फिर इंटर्नशिप, फिर कुछ और। कब तक तेरी पढ़ाई के लिए शादी टालते रहेंगे? शादी कर ले, फिर जो करना होगा करती रहना। मामा 3 महीने रुक जाइए ना प्लीज। अगले महीने राउंड स्टेट जा रहा है, 6 महीने के बाद आएगा, उस बीच तो किसी और के साथ उलझ जाएगी। जो मरूद निकला वही बिल्कुल चाहिए, और राहुल के पेरेंट्स भी राजी इस बात के लिए। 22 तारीख को ही शादी होगी। ये क्या 22 तारीख की जिद लगा रखी है आप लोगों ने? तू भूल गई 22 तारीख तेरे पापा का जन्मदिन है, और उन्हीं की तो इच्छा थी ना कि तेरी शादी राहुल से हो। देख भगवान की दया से मुहूर्त भी 22 तारीख का ही निकला है, इससे अच्छा शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है तेरी शादी के लिए। बोल। और कॉलेज में छुट्टी का एप्लीकेशन दे देना। सुन मामा, गुस्सा ठंडा हो गया तेरा? मैं राहुल से शादी नहीं कर सकती। क्यों? इसकी 2 वजह है। मैंने कभी राहुल को इस नजर से नहीं देखा। और दूसरी वजह? मैं बता रहा हूं, वो 2 कौड़ी का लड़का जिसके पास धन की नौकरी नहीं है और रहने के लिए खुद का घर नहीं है। मैं उससे प्यार करती हूँ। दिनेश, दिनेश एक मिनट, दिनेश एक मिनट। कब से जानती है तू उसे? 6 महीनों से। 6 महीने से? और 6 महीने में वो लड़का तेरे लिए सब कुछ हो गया? हम सबकी उम्मीदों पर पानी फेरना चाहती है। अरे मैं तो तेरा मामा हूँ, लेकिन अपनी माँ की भी परवाह नहीं है तुझे? जब से तेरे डैडी गए एक ही बात इसके दिमाग में है, तेरी शादी राहुल के साथ, तेरी शादी। अगर तेरी शादी राहुल से ना हो तो मरने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगी तेरे पापा को? मम्मी चुप कर,
बात बस कर पड़ा क्या था तुझे? 6 महीने में वो लड़का तेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया, सब कुछ हो गया तेरे लिए, और हम सब कुछ भी नहीं। हमारी खुशियां तेरे पापा की आखिरी ख्वाहिश, कोई मायने नहीं रखती। आस्था, आस्था भैया आप आ गए। हाँ लो चंदू ये लेके जाओ, और चंदू पानी गर्म करवाना, बहुत थक गया हूँ, नहाऊंगा मैं। भैया वो आप क्या? मैं उठाती हूँ ना। अरे भाई शाबाश। भैया आप, हाँ? आप अकेले ही आए? हाँ क्यों? नहीं वो बस मुझे हाँ, लगा कि मुझे लगा कि मैं पूरा रिलीफ कैंप साथ लेकर आऊंगा। नहीं लेकिन कम से कम आप अपने जिगरी दोस्त को तो साथ ला सकते थे ना। कौन संकल्प? हाँ। अरे नहीं 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 आस्था वो तो बहुत बिजी है, उसे शहर भी बहुत जल्दी पहुंचना था। भैया आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप अपने दोस्त के बारे में, लेकिन उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि हमारे घर थोड़ी देर के लिए आ सके। आस्था तू भी है ना, मैं देखता हूँ एक मिनट। हेलो, अरे संकल्प अभी तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी, आस्था पूछ रही थी कि घर क्यों नहीं आए। अच्छा ये बताओ तुम्हारी जर्नी कैसी रही? ठीक थी यार। तूने उससे बात किया नहीं? किसी से? अरे यार जिसके साथ तू सफर कर रहा था 12 घंटे तक। यार बात तो हम लोग करते रहे रास्ते भर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अरे यार तू उसे पसंद करता, बस इतनी सी बात तो जाहिर करनी थी। कोशिश की थी मैंने यार, लेकिन कुछ देर बाद ही वो अपने बर्थ पर जाकर सो गई। और तू रात भर जागता रहा। वेरी गुड संकल्प, वेरी गुड। देख भाई अगर यही रवैया रहेगा ना तो लड़की तुम्हारी हाथ से निकल जाएगी। कुछ करो यार कुछ करो। अच्छा एक काम कर, लड़की को फोन कर और मुझे भी फोन करके बता कि क्या हुआ, ठीक है? ओके ऑल द बेस्ट, बाय। किसका फोन था भैया? संकल्प का। क्या क्या बात हो रही थी आप दोनों की? ये अपना संकल्प है ना, बहुत डरपोक किस्म का लड़का है। इसी कैंप में एक लड़की थी जिसे वो पसंद करता था, ना तो वो उस लड़की को वहां पर कुछ बोल पाया और ना ही ट्रेन में कुछ बोल पाया। बहुत बहुत स्लो लड़का है। उसी गांव की लड़की है भैया। कमाल की बात करती हो आस्था, शहर के लड़कों को थोड़ी गांव की लड़कियां पसंद आती हैं। नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। एक्चुअली ये संकल्प के ही शहर की लड़की है, मेडिकल पास किया है अभी और इंटर्नशिप चल रही है, इंडिपेंडेंट है, जिम्मेदार है, समझदारी की भी बातें करती है, चाय भी अच्छा बनाती है, और मालूम है गाना तो बहुत ही कमाल गाती है। आज तक कुल मिलाकर ये लड़की संकल्प को सूट करेगी। कितनी देर लगाओगी दीदी, जाना है कि नहीं? चलो खेलने। अरे तुम लोग खेलोगे मेरे साथ? ठीक है चलो। मैं जानती थी तुम यहीं मिलोगे, कल क्यों नहीं आए? सारा दिन मैं स्टेशन पर इंतजार करती रही, घर भी नहीं जा सकती थी, कह जो रखा था कि शाम को लौटूंगी, बताओ क्यों नहीं आए? कहीं उलझ गया था, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? क्यों ना हो गुस्सा, किन परेशानियों में जी रही हूँ इसका अंदाजा है तुम्हें? सब ठीक ही तो हो रहा है श्रुति। क्या ठीक हो रहा है आकाश? मुझे तो ऐसा लगता है सबके सब मुझे ऐसी जगह पर कैद कर देना चाहते हैं जहाँ जिंदगी भर घुटती रहूंगी मैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? श्रुति बैठो तो सही, क्या हुआ? सब बात तो करो। बात ही तो करने आई थी पर तुमने गुस्सा दिला दिया। आई रियली हेट यू। पता है मुझे, अब बोलो क्या बात है आकाश?
राहुल से शादी नहीं कर सकती, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। यही सच्चाई जब मैंने घर वालों को बताई तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया, और मामा जी वो तो बौखला गए। मामा जी ने वही किया जो उनको ठीक लगा। तो फिर मैं वो क्यों ना करूं जो मुझे ठीक लगे? क्योंकि वो गलत है। श्रुति ऐसे मत देखो मुझे, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। लेकिन जो तुमने कहा उसमें दोस्ती कतई नहीं है। उसमें प्यार है श्रुति। कैसा प्यार है ये आकाश? दुनिया से अलग। इस प्यार को शादी की मुहर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इससे कई दिल दुखेंगे। जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया उन सबको चोट पहुंचेगी। और क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकोगी? तुमसे दूर रहना वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो? बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर सकूंगा तुमसे अलग होना। मगर अगर मेरे माता पिता ने यह शर्त रखी होती कि तुमसे अलग होने, तो मैं उनकी ही मानता। और यही बात मैं तुमसे चाहता हूं कि जो तुम्हारे घर वालों ने कहा है तुम वही करो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर दें? अगर प्यार सच्चा है तो ये मुश्किल नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि जून में आकर हम लोग शादी कर लें और बाद में तुम्हें ये बात कचोटे कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम मुझे ब्लेम करो, मैं तुम्हें दोष दूं, ये ठीक नहीं होगा श्रुति। जो कुछ हो रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। श्रुति श्रुति फिर भी हमें यही करना चाहिए। कड़वाहट लेकर जीना पड़े, इससे अच्छा है कि प्यार लिए जुदा हो जाए। कर सकती हो, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी। अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो यू कैन से नो, हमें बुरा लगेगा, मामा जी भी निराश होंगे, राहुल का भी दिल टूटेगा, तुम्हारे डैडी की आखिरी ख्वाहिश भी अधूरी रह जाएगी, लेकिन इट्स ओके, हम सह लेंगे। हमारी खुशी तुम्हारी खुशी है, लेकिन जो करना है जल्दी करो, और फैसला करते टाइम एक बार अपने डैडी का चेहरा जरूर याद करना।